सो वेलकम टू जैन ट्यूटोरियल्स. इट इज जैन ऑनलाइन क्लास फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ. टुडे वी स्टडी अबाउट क्लास 11 फिजिक्स. इट इज चैप्टर मोशन इन स्ट्रेट लाइन. वी आर इन द टॉपिक ऑफ प्रोजेक्टाइल. वी आर इन द टॉपिक ऑफ प्रोजेक्टाइल. रिव्यू करें. इफ द बॉडी इज थ्रोन विद वेलोसिटी यू देन डायरेक्शन ऑफ यू इन द हॉरिजॉन्टल इट इज कॉल्ड यू कॉस अल्फा. ये बहुत काम करके बता रहे हैं. ये होता है यू साइन अल्फा. यू कॉस अल्फा यू साइन अल्फा आर द वेलोसिटी वेलोसिटी इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन. क्लियर है? ये सब कोई डाउट नहीं है. दिस इज कॉल्ड रेंज. दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट. इक्वेशन भी हम लोग किए थे. हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन भी हम लोग कर चुके थे. तो चलिए आज तक चार पांच टॉपिक है. एग्जाम में डेरिवेशंस आता है. चलिए डेरिवेशंस. फर्स्ट फाइंड द फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम हाइट ऑफ ए प्रोजेक्ट टाइम कॉमा टाइम ऑफ फ्लाइट. टाइम ऑफ फ्लाइट कॉमा रेंज. फाइंड द फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्ट टाइम टाइम ऑफ फ्लाइट रेंज. ये निकालना है. फॉर्मूला निकालना है. हम लोग वर्टिकल मोशन में निकाल चुके हैं. क्या निकाले हैं? एच मैक्स इक्वल टू आपको याद है यू स्क्वायर बाई टू जी. आने जाने में टाइम इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट टू यू बाई जी. रेंज नहीं, रेंज वहां सो वर्टिकल मोशन में रेंज नहीं होता. ये दोनों पढ़ चुके थे. तो आज हम पढ़ाएंगे मैक्सिमम हाइट क्या होता है. प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला निकालने वाले हैं. तो चलिए एकदम एग्जाम में आना ही आना कुछ नहीं होगा. एक्स एक्सिस ओ वाई एक्सिस कोई प्रोजेक्टाइल का पाथ है. यू इज द वेलोसिटी. अल्फा इज द एंगल प्रोजेक्शन. P इज द पॉइंट. इट इज द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट. सबसे अधिक डिस्प्लेसमेंट कहां है? वर्टिकल डायरेक्शन में. ये वाला डायरेक्शन. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम हाइट. फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम हाइट. द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल. द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल. तो बोलिए आज पी में बॉडी पहुंच जाएगा. बॉडी यहां पहुंच गई. अभी ये ऊंचाई निकालना है. तो बताइए जब तो एच का वैल्यू एच मैक्स यहीं पर हो रहा है. यहां से एच मैक्सिमम है. यहां पे एच घटते बढ़ते जा रहा बढ़ते जा रहा. यहां सबसे अधिक हुआ फिर घटते हैं. मतलब ये दूरी निकालना हमको. जब एच का वैल्यू एच मैक्सिमम है तो ये वी का वैल्यू जीरो हो गया. उस समय वेलोसिटी जीरो हो जाएगा. उस समय बॉडी का वेलोसिटी जीरो हो जाएगा. और यू का वैल्यू को क्या लिखेंगे हम लोग? यू वाई. यू को हम लोग यू आई लिखेंगे. और यू वाई का वैल्यू क्या होता है? यू साइन अल्फा. वेर अल्फा इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. तो बताइए कौन सा फॉर्मूला यूज करें? वी स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर माइनस टू जी. पिछला वीडियो का देख लीजिएगा लास्ट फ्रेम में था. इक्वेशन लिखे थे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल. वी का स्क्वायर यूज करेंगे. हम लोग को क्या निकालना है? एच निकालना है. जब वी जीरो है यू का वैल्यू क्या होगा? यू साइन अल्फा का स्क्वायर माइनस टू जी. एच का वैल्यू क्या होगा? मैक्सिमम. टू जी एच मैक्सिमम. इधर ले आइए टू जी एच मैक्सिमम इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा. तो देखिए आंसर आ गया. एच मैक्सिमम इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू जी. एच मैक्सिमम इज गिवन बाई यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू जी. और वर्टिकल मोशन में साइन अल्फा का टर्म नहीं था. आप चाहें तो अल्फा का वैल्यू 90 डिग्री पुट करिएगा ना. ऐसे हो जाएगा. मतलब वर्टिकल मोशन हो जाएगा. वही फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा.
वर्टिकल मोशन अगर रहता तो अल्फा का वैल्यू 90 डिग्री होता होता है कि नहीं, वर्टिकल मोशन होता तो अल्फा 90 डिग्री होता है, साइन का एंटी क्या होता है 1 होता है कि नहीं होता है, तो यू स्क्वायर 2 जी अपने आप आया था आंसर। अंडरस्टूड, नोट किए बता रहे आगे। सेकेंड, टाइम ऑफ फ्लाइट एकदम अच्छा से बता रहे थे धीरे धीरे, टाइम ऑफ फ्लाइट ये क्या है, कोई बॉडी प्रोजेक्टाइल का ओ से स्टार्ट किया, यू वेलोसिटी है, अल्फा इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आर, ओ से आर पहुंच गया वापस ग्राउंड पहुंच गया, जितना समय लगता है इज इक्वल टी इक्वल टू क्या बताऊं टाइम ऑफ फ्लाइट, क्लियर है, टी इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो पहले ये क्या है, कोई पूछेगा टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, टी एफ बोलते हैं, पहले भी इस वर्ड यूज किया, टाइम टेकन बाई व्हाट प्रोजेक्टाइल टू रीच, कहा टाइम टेकन बाई प्रोजेक्टाइल टू रीच द क्या ग्राउंड, टाइम टेकन बाई प्रोजेक्टाइल टू रीच द ग्राउंड अगेन इज कोल्ड, क्या बोलते हैं उसको, टाइम ऑफ टाइम बोलते हैं, मतलब अगेन स्टार्ट करिए वापस पहुंच जाए, कहां पहुंच जाए आर में पहुंच जाए, तो जब टी का वैल्यू टी एफ है तो बॉडी कहां पे बताइए, बॉडी इज एट कहां पे है, जब उतना समय हो गया कि उतना समय बीत गया कि बॉडी का टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया तो बॉडी विल बी फाउंड एट आर, क्लियर है, आर मिलेगा, तो आर में एच का वैल्यू जीरो है, आर में क्या जीरो होगा, सिर्फ एच जीरो होगा है कि नहीं, एच विल बी जीरो, तो एच कनेक्टिंग फॉर्मूला यूज करते हैं, यू का वैल्यू जब एच का वैल्यू जीरो यूज करते हैं यू का वैल्यू तो यू वाई यूज करना पड़ेगा है कि नहीं, यू का वैल्यू यू वाई यूज करना पड़ेगा कि जब एच जीरो ले रहे हैं एच मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में तो यू का वैल्यू यू वाई होगा, फिर यूज कर रहे हैं एच इक्वल टू क्या होता है यूटी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तो एच अगर जीरो है तो टी का वैल्यू क्या है, एच कहां पे जीरो, यहां पे या तो यहां पे होगा, इसे पॉसिबल है जब प्रोजेक्टाइल होगा तो आखिर आर में पहुंचेगा, तो टी को क्या बोलते हो टाइम ऑफ फ्लाइट हाफ जी टी एफ का स्क्वायर, इधर ले आई यू को बोलिए यू आई, एच जीरो तो यू बन गया यू आई, टी बन गया टी एफ, इधर ले आई हाफ जी टी एफ का स्क्वायर इक्वल टू यू साइन अल्फा, इसका वैल्यू है यू आई का टी एफ, ये वो टी एफ कैंसिल कर सकते हैं, टी एफ का वैल्यू जीरो तो नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ तो टाइम होगा, तो क्या भाई यार टी एफ कॉमन कर लीजिए जो भी हम एक टी एफ काट भी सकते इस केस में टाइम टी एफ टी एफ कैनॉट बी जीरो हाफ जी टी एफ क्या होगा यू साइन अल्फा, डी एफ का वैल्यू क्या हो गया टू यू साइन अल्फा बाई टी एफ इज इक्वल टू यू साइन अल्फा बाई जी, उसमें क्या आया था टू यू बाई जी, पूरा कॉन्सेप्ट मतलब क्लियर हम लोग का, उसमें किसमें वर्टिकल मोशन सिर्फ था तो बॉडी ऊपर से नीचे आया था टाइम क्या था 2u यू बाई जी था, अभी क्या है टू यू बाई जी इंटू साइन अल्फा, नोट कर लीजिए इस बात को, नोट कर लीजिए टाइम ऑफ फ्लाइट क्या था बता दिए, चलिए रेंज के बारे में बता रहे हैं, बहुत ईजी है एकदम, एक एक चीज बता रहे हैं आपको, नेक्स्ट इज रेंज, व्हाट इज रेंज पहले बता चुके हैं, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इसको बोलते हैं द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, ये जा तो रहा हवा में जा तो रहा है इससे, लेकिन हॉरिजॉन्टल में इतना ही दूरी तय किया, जमीन में उतना ही दूरी तय किया, तो क्या बोलेंगे रेंज इज क्या है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट बाय ए प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड, क्या बोल उसको रेंज, द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट बाय ए प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड रेंज, रेंज कैसे निकालेंगे, तो देखिए रेंज इज हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट यूजिंग फॉर्मूला एस इक्वल टू क्या होता है यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको यूज कर हॉरिजॉन्टल ऐसे निकालना जा रहा है ऐसे, लेकिन आपको निकालना ये दूरी, तो एस इज द रेंज, U का वैल्यू क्या होगा U का वैल्यू क्या होगा अब यू एक्स होगा, हॉरिजॉन्टल चीज निकाल रहे हैं, आर हॉरिजॉन्टल चीज है कि नहीं है,
तो यू का कंपोनेंट कौन सा यूज करेंगे? यूएक्स टी। टी का वैल्यू क्या हो जाएगा? टीएफ। यहां से यहां गया टाइम कितना हो जाएगा? आर इक्वल टू हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, तो टी का वैल्यू क्या हो जाएगा? टीएफ प्लस हाफ ए का वैल्यू जीरो है, ए जीरो होता नहीं होता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में याद कर लीजिए, प्रूव नहीं कर सकते इस लेवल में आपके लिए, बस बता दे रहे हैं, मान लेना चाहिए। ए इज इक्वल टू नो एक्सप्रेशन काम ही नहीं करता उस समय एक्सप्रेशन। सो आर यू एक्स का वैल्यू क्या हो गया? यू कॉस अल्फा। टी एफ का वैल्यू क्या निकाले? टू यू बाई जी साइन अल्फा, और ये पूरा पोर्शन जीरो हो गया, रेंज निकल लिया। टू यू स्क्वायर साइन अल्फा कोस अल्फा बाई जी। कोई बुक में जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हैं उसको वो ऐसे भी लिख सकते हैं, यू स्क्वायर टू साइन अल्फा कोस अल्फा बाई जी। तो ये फॉर्मूला है, अगर आप पढ़ चुके हैं तो याद कर लीजिए, साइन का टू अल्फा बाई जी। आप आंसर ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। अंडरस्टूड? नोट कर लीजिए, फिर देख लीजिए, जब रेंज वो जाएगा जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, टाइम कितना लग चुका होगा ओ से आर पहुंचने में, जो हवा में तय किया उतना ही टाइम लगेगा ओ से आर तक जाने में, टाइम ऑफ फ्लाइट यूजिंग फॉर्मूला एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, आर इक्वल टू यूएक्स टी एफ प्लस यू एक्स टी एफ होगा, और हाफ ए के जगह जीरो टी एफ का स्क्वायर, ये पूरा पोर्शन जीरो क्योंकि ए जीरो है, बस हम लोग क्या बच गया यूएक्स टी एफ। यूएक्स का वैल्यू क्या होगा? यू कोस अल्फा टू यू साइन अल्फा बाई जी, टू यू स्क्वायर साइन अल्फा कोस अल्फा, टू साइन अल्फा कोस अल्फा एक तरफ लिख के हम लोग उसको साइन टू अल्फा भी लिख सकते हैं, जो पढ़ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री वो जानते हैं, याद करिए टू साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू, टू साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू, जो ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़े बाद में पता चल जाएगा, बाकी लोग रख सकते हैं। सो नेक्स्ट हम लोग क्या क्या सीखिए, फार्मूला ऑफ मैक्सिमम हाइट, फार्मूला ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट एंड फार्मूला ऑफ रेंज। एच मैक्सिमम याद कर लीजिए यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा पाई टू जी, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना यू टू यू साइन अल्फा बाई जी, और रेंज क्या है टू यू स्क्वायर साइन अल्फा कोस अल्फा बाई, ठीक है। तो नेक्स्ट ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पढ़ाया कभी आपका, या तो जब मंथली टेस्ट हो या फिर फर्स्ट बुक हाफ ईयरली एग्जाम हो तब आता ही आता है क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन फोर ट्राजेक्ट्री, याद है पाथ को बोलते हैं ट्राजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल, इधर लीजिए इधर हम बताएंगे कभी आप इसको, इस पाथ का इक्वेशन क्या होगा, जिसको होता है ये स्ट्रेट लाइन है ये सर्कल है, तो ये पाथ का इक्वेशन एग्जाम में निकाल लिया है। यू से कोई बॉडी को फेंके अल्फा, सपोज पी पॉइंट है इक्वेशन, मतलब एक्स और वाई में क्या रिलेशन है, इन्हें कोई बॉडी को फेंका गया यू वेलोसिटी से, अल्फा इज द एंगुलर प्रोजेक्शन एंड एट एनी टाइम टी, कोई टाइम टी में बॉडी रीच एट पी, तो ये एक्स हो जाएगा हॉरिजॉन्टल और ये वाई पॉइंट, अगर निकाले टू थ्री पे इधर टू इधर थ्री, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, ये पॉइंट क्या है एक्स वाई, वेर एक्स इज क्या है हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट एंड वाई क्या है वर्टिकल, तो बस हमको एक्स और वाई इक्वेशन निकालना है, एग्जाम में आता 3 मार्क्स का आ सकता है क्वेश्चन। तो पहले बना लेते जी, लेटेस्ट स्टेप ए प्रोजेक्टाइल व्हिच यू क्या है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ क्या है प्रोजेक्शन, अल्फा इज क्या है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, लेट इन एनी टाइम टी, इट इज एट कहां पे है पी में, लेट इन एनी टाइम टी इट इज एट पी, पी पॉइंट को क्या मान लिया एक्स वाई इक्वेशन में, एक्स वाई इक्वेशन बताना एक्स वाई क्या रिलेशन, इसको देना एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू फाइव, अगर अलीवन सर 10th क्लास पास किए तो आप जानते हैं इट द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, पता ना एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू फाइव, ये लाइन है ग्राफ भी बनाया होगा ना, एक प्लस टू वाई फाइव एक हमेशा ड्रॉ करें तो लाइन मिलेगा, तो ऐसे ही इसका ग्राफ कैसा होगा, इसका इक्वेशन क्या होगा ये निकालना है, वेर पी पॉइंट एक्स वाई है, वेर एक्स इज क्या हो गया
हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट एंड वाई इज क्या हो गया वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? नाउ टी को बोलते हैं टाइम, यहां से यहां तक पहुंचे टाइम टी लगा, टी टाइम में बॉडी कहां पहुंचे एक्स एंड वाई। हम लोग क्या लेते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट एक्स इक्वल टू कैसे निकालेंगे यूजिंग एस इक्वल टू क्या होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस को क्या बोलते हैं एक्स बोलेंगे, यू को क्या बोलेंगे यू एक्स बोलेंगे, टी को टाइम है हाफ ए डब्ल्यू जीरो टी का स्क्वायर। ये क्वेश्चन अगले बार हम लिखेंगे जब भी हॉरिजॉन्टल में सीधे एक्स या एस इक्वल टू यू टी वेर यू का वैल्यू क्या होगा यू एक्स वाला पार्ट जीरो हो जाता है याद रखिए हॉरिजॉन्टल में। तो एक्स इक्वल टू क्या हो गया यू का वैल्यू क्या हुआ यू कॉस अल्फा टी बाकी जीरो हो गया। तो टी निकाल दीजिए सबसे पहले एक्स बाय यू कॉस अल्फा, सबसे पहले टी को निकाल दिए एक्स के टर्म में एक्स बाय यू कॉस अल्फा और एक्स निकाल रहे हैं। अंडरस्टूड? पढ़ते हैं इक्वेशन क्या है किसके लिए निकालना ट्राजेक्टरी मतलब पाथ, पाथ को ट्राजेक्टरी बोलते हैं। इन प्रीवियस वीडियो आप देखे होंगे तो लेटेस्ट टेक ए प्रोजेक्टाइल व्हिच यू इज इनिशियल वेलोसिटी प्रोजेक्शन अल्फा इज द एंगल प्रोजेक्शन लेट इन एनी टाइम टी इट इज एट पी, पी क्या एक्स वाई वेयर एक्स इज हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट एंड वाई वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। इन हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट एक्स का वैल्यू क्या होगा यूजिंग फार्मूला, फार्मूला यूज कर रहे हैं हम लोग एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो एस की जगह एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए टी का जगह जीरो हो जाए क्यों ए जीरो है बस क्या बोलते हैं हम लोग एक्स इक्वल टू यू कॉस अल्फा टी या टी का वैल्यू क्या निकालते सबसे पहले एक्स बाई यू कॉस अल्फा। नोट कीजिए नाउ इसके आगे देखिए वाई इज वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट तो क्या होता फॉर्मूला एच इक्वल टू क्या होता है यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। एच की जगह वाई लिखना पड़ेगा हम लोग को, यू की जगह क्या लिखेंगे यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। पुट करिए यू के जगह यू वाई और यू का वैल्यू क्या होगा अब तो पूरा क्लियर हो कब यू एक्स लिख रहे हैं कब यू वाई लिख रहे हैं आपको अंदाज हो। जब भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होता है यू एक्स लिखते हैं और जब भी वर्टिकल डायरेक्शन होता है यू वाई लिखते हैं और टी का वैल्यू भी पुट कर दीजिए टी का वैल्यू क्या निकाले एक्स बाई यू कॉस अल्फा माइनस हाफ जी एक्स बाई यू कॉस अल्फा का स्क्वायर। सो वाई इज इक्वल टू यू यू कैंसल एक्स टेन अल्फा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर ऊपर लिख दिए एक स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा को ऊपर की तरफ न्यूमेरेटर में लिख दिए। यही है इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी वाई के टर्म में एक्स इक्वेशन आ गया एक्स वाई का इट इज इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी। इतना ही चीज है अब आपको दिमाग लगे जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आंसर आपको लिखना पड़ेगा। ये पाथ जो होता है इट इज पैराबोलिक, इट इज पैराबोलिक। जब आप पढ़िए मैथ्स में पढ़िए चैप्टर टू एक ऐसा इतना का क्वेश्चन मिलेगा आपको पैराबोलिक पाथ का तो पूछता है क्या मैं ट्राजेक्टरी कैसा है ट्राजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या बोलेंगे इसको पूछेगा तो बोलेगा पैराबोलिक। ऐसे टेंथ में सुनेंगे ये वर्ड आप जब टेंथ क्लास में मैथ्स चैप्टर में जब आप ग्राफ ड्रॉ कर रहे थे पॉलीनोमियल्स का तो क्वाड्रेटिक फंक्शन का जब ग्राफ करते थे आप इस तरह का ग्राफ मिलता था इस तरह का ग्राफ मिलता था सब पैराबोलिक है। ट्राजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। अंडरस्टूड? तो अगला वीडियो कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाएंगे कुछ एनालिटिक क्वेश्चन बना के दिखाएंगे। फार्मूला याद रहना चाहिए जितना पता है उतना काफी है। नोट करिए।